हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पांचाल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी नगेट्स। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। फलाहारी नगेट्स बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिएंगे आलू। तो सबसे पहले हम आलू को बॉईल करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर में एक गिलास पानी डाला है और इसमें हम डाल देंगे 3 आलू। तो ये देखिए, मैंने बड़ी साइज़ के 3 आलू लिए हैं। आलू को हम बॉईल करेंगे। कुकर को बंद करेंगे और 5 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं सिंगदाने, तो ये 1/4 कप जितना सिंगदाना है और इसे भी हम धीमी आंच पे भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट हम सिंगदानों को भी भूनेंगे और इसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और इसे क्रश करेंगे। तो ये देखिए, सिंगदाने हमारे भून चुके हैं और इसे अब एक प्लेट में ले लेंगे। अब सिंगदानों को हमें दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए, सिंगदाने हमारे पीस के तैयार हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है और 3 हरी मिर्ची ली हैं। तो इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो। इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारा पेस्ट भी बनके तैयार है और इसे हम एक कटोरी में निकालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें ऐड करेंगे 2 कप जितना राजगिरे का आटा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आप राजगिरे का आटा कम भी कर सकते हैं, आलू की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, आप पे डिपेंड है, आप उसको कैसा टेस्ट देना चाहते हैं। और ये बॉइल्ड आलू है जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, तो इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे क्रश किया हुआ सिंगदाना। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जो पेस्ट हमने बना के रखा है, साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा साबुत जीरा और यहाँ भी आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। और अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल भी पानी अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि आलू की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो आपको बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, आटा हमारा तैयार है। हाथों को क्लीन कर लेंगे एक बार। और अभी हम इस तरह से छोटे छोटे नगेट्स तैयार करने के लिए क्या करेंगे, आटे को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लेंगे पहले, ताकि आसानी से हम इसके नगेट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ी भी बना सकते हैं। इस तरह से हाथों को ग्रीस करते हुए ये देखिए, छोटे छोटे नगेट्स हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर इसे ट्राई करें। और ये जो नाश्ता है हम 4 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं। अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, तेल हमारा गर्म है और एक एक करके ये नगेट्स हम इसमें डाल देंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हमें बिल्कुल धीमी आंच रखनी है,
तेज आंच पे आप फ्राई ना करें, नहीं तो ये जल जाएंगे, क्योंकि आलू और जो राजगिरा का आटा है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब धीमी आंच पे हमें इसे फ्राई करना है, और गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है और लगातार इसे चलाते रहना है। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलर भी चेंज होने लगा है। और ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे ये जो नगेट्स हैं वो फ्राई हो गए हैं, और इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे। और इसी तरह से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फलाहारी नगेट्स हमारे बनके तैयार हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।